गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, आज हम आपका चौथा लेसन शुरू करते हैं, ठीक है। तो चौथा लेसन जिसका नाम है हास्य बालक कवि सम्मेलन, मतलब हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी मनोरंजन कवियों का सम्मेलन, मनोरंजन प्रदान करने वाला कवियों का सम्मेलन, ठीक है, जिसका नाम है। इस पाठ को करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, शब्दार्थ। तो बढ़िए आप शब्दार्थों की ओर। तो देखिए आज शब्दार्थ करेंगे, तो इसके शब्दार्थ देख लीजिए एक बार। अधे नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारम काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी, एही आए करतल ध्वनि कर होती है हाथों की और ध्वनि यानी तालियों से, अरसी के वे नीरज जनों को स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे अस्त लागवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद आवर्तनम फेरता हुआ, धारियताम धारण करे परान्नम दूसरे के अन्न को, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यपर्णम लौटाना अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरित प्रेरित होकर श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम हमारे पाठ की और, जिसका नाम था हास्य कवि बाल सम्मेलन। ठीक है, ये हमारा चौथा लेसन था। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। विविध वेशभूषा धारिणी चत्वारे बालकवय मंचस्य उपरी उपविष्टा सन्ति। विभिन्न वेशभूषा को धारण करने वाले चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। विभिन्न वेशभूषा को धारण करने वाले चार बालकवय बालक मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, अधे श्रोतार हास्य कविता श्रोणाय, अधे का अर्थ होता है नीचे, क्या अर्थ होता है अधे का, नीचे, श्रोतार सुनने वाले, नीचे सुनने वाले हास्य कव, नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है, कोलाहलम चक्रवंती और शोर कर रहे हैं, और शोर कर रहे हैं कि विभिन्न वेशभूषा को धारण करने वाले चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे श्रोता हास्य कविता सुनाने के लिए उत्सुक हैं, और कोलाहलम चक्रवंती और शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। देखिए बेटा आगे, संचालक, संचालक होता है जो किसी भी कार्य को करता है, अपने हाथों में लेता है, जो संचालक कहलाता है, मतलब किसी भी चीज़ को चलाने वाला संचालक होता है। ठीक है, जैसे आपकी इतनी बड़ी स्कूल है, केशव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी, इसको कौन चलाता है, बड़े सर, वही उस स्कूल के संचालक कहलाते हैं। उसी प्रकार ये जो श्रोता, जो सुमंच है, उसके ऊपर भी एक संचालक है, उसको चलाने वाला, वो उसको चला रहा है। ठीक है, आगे देखिए, संचालक अलम कोलाहलेनम, कोलाहलेनम यानी शोर मत करो, अलम यानी मत करो, कोलाहलेन यानी शोर, शोर मत करो, अधे आज परम अत्यधिक हर्षस्य प्रसन्नता का अवसर दिन है, यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन के में काव्य हंतारे काव्य को नष्ट करने वाले, चय काल यापका और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर आ समागता आए हुए हैं, एही आओ करतल ध्वनि नाम तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करें। ठीक है, तो देखिए इसने क्या कहा, संचालक ने कहा, मतलब उसको मंच को चलाने वाला जो था, इस हास्य कवि सम्मेलन को जो चला रहा था, उसने कहा देखिए कि अलम कोलाहलेन शोर मत करो, अलम यानी मत करो, कोलाहलेन यानी शोर, अध्यय आज अतपरम यानी अत्यधिक, यहाँ जो ये परम है, इस परम का अर्थ है अत्यधिक, क्या अर्थ है इसका, अत्यधिक है, आज अत्यधिक प्रसन्नता का दिन है, यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, काव्य अंतारम काव्य को नष्ट करने वाले,
और काल यापकस्य समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। समागता आना, समागता आए हुए हैं, यही आओ, तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करें। ठीक है, आओ तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करें। तो देखिए आगे, फिर गजाधर, एक गजधर था जो मतलब कवि था, उसमें कवि का नाम था गजाधर, और वो गजाधर कह रहा है सर्वेभ्य रसिकेभ्य नमो नमः, सर्वेभ्य यानी सभी रसिकेभ्यो नीरस जनों को नमो नमः, नमस्कार सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वेदम, प्रथम यानी पहले, तावत यानी तो, अहम यानी मैं, आधुनिक वेदम, आधुनिक वेद की सभी रसिकेभ्यो सभी नीरस जनों को नमो नमः नमस्कार। प्रथम तावत अहम, पहले तो अहम मैं, आधुनिक पहले तो मैं, आधुनिक वैद्यम यानी वैद को। ठीक है, अब शुरू से एक बार अर्थ। विविध वेशभूषा धारण किए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक है और शोर मचा रहे हैं। संचालक अलम कोला हलेन शोर मत करो, आज अत्यधिक प्रसन्नता का दिन है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। आओ तालियों की आवाज़ से हम सब इनका स्वागत करें। पहला कवि है जिसका नाम है गजधर, वो कह रहा है, वो अपना काव्य सुना रहा है। तो देखो, कह रहा है सभी नीरस जनों को नमस्कार, पहले तो मैं आधुनिक वैद को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रामयामी, उद्देश्य करके अपने काव्य को सुनाता हूँ। पहले तो मैं आधुनिक वैद को उद्देश्य करके अपने काव्य को सुनाता हूँ। तो देखिए, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, यमस्तु हरति प्राणान वैधम प्राणान धनानी च। देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है वैद के पीछे, तो इसका अर्थ हो जाएगा हे वैद्यराज, हे वैद्यराज यमराज के भाई, यमराज के सगे भाई। नमस्तुभ्याम आपको नमस्कार, यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार। हे वैद्यराज यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार। देखो आगे क्या कहा उसने, यमस्तु यमराज तो प्राणानाम प्राणों का हरण कर लेता है, किंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को हरण कर लेता है। आप समझे क्या कि इसने जो वैद्य की तुलना किससे की है, यमराज से। कि इसने वैद्य की तुलना किससे की, यमराज से। क्या कि ये जो यमराज होता है ना, वो तो केवल इंसान के प्राणों को ले जाता है, मतलब वैद्यराज, वैद्यराज को बताया कि तुमसे अच्छा तो यमराज ही है, कि यमराज तो एक बार में प्राणों को ले जाता है, किंतु वैद्य आप प्राण भी ले लेते हो और धन भी ले लेते हो। अब जानते हो ना आप कैसे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वैद्य डॉक्टर ही तो होता है, वैद्य के पास जा रहे हो, पहले तो उसको दिखाने की फीस लो, ठीक है, उसके बाद वो दवा देता है जो लो, और अगर उन दोनों से भी आप ठीक नहीं होते हो तो वो प्राण, इंसान के प्राण जाना ही है। तो कह रहा है कि हे वैद्यरा, कौन कह रहा है ये, गजधर, कौन कह रहा था, गजधर, गजधर कह रहा था, एक कवि का नाम है गजाधर, उन्होंने अपने काव्य को किसके ऊपर सुनाया, वैद्य के ऊपर। क्या सुनाया कि उद्देश्य करके अपने काव्य को सुनाता हूँ कि हे वैद्यराज यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार, यमराज तो प्राणों को नष्ट कर लेता है, किंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को ले लेता है। सर्वे उच्च असंती, सर्वे सभी उच्च जोर से असंती हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। अब दूसरा कह रहा है कौन, कालांतक, कौन था दूसरा, कालांतक, ये दूसरे किसका नाम है, दूसरे कवि का नाम है कालांतक कवि है, जो देखो क्या कह रहे हैं। अब
अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणेन ममापि काव्यम इति श्रुणन्तु भवन्तः। अरे वैधास्तु वैद तो सर्वत्र सभी जगह हैं परंतु नैते मादृशा कुशला परंतु वे सब मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। जनसंख्या निवारण में जनसंख्या को रोकने में वो मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। अरे वैद तो सभी जगह है परंतु वे सब मेरे जैसे जनसंख्या को रोकने में कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम श्रुणन्तु भवन्तः। ममापि यानी मेरा भी, काव्यम यानी काव्यदम यानी यह, मेरा भी यह काव्य आप सुनिए, मेरा भी यह काव्य आप सुनिए। कालांत कह रहे हैं अरे वैद्यराज वैद तो सभी जगह है परंतु वे सब जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। परंतु वे सब जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं है। मेरा भी यह काव्य आप सुनिए। अब ये कालांतक काव्य बता रहा है कौन से, सुनो। चिताम प्रज्वलिताम चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्म्या आगत न अहम गतो न मे भ्राता कश्य इदम् अस्तलाघवम्। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिताम यानी चिता को जलती हुई देखकर, दृष्टवा देखकर, चिताम चिता को जलती हुई देखकर वैद विस्म्यागता वैद आश्चर्यचकित हो गया कि चिता को जलती हुई देखकर वैद आश्चर्यचकित हो गया कि न तो मैं गया हूँ और न ही मेरा भाई, तो यह किसके हाथ की सफाई है। चिताम यानी चिता को प्रज्वलिताम यानी जलती हुई देख दृष्टवा देख कर वैदम वैद विस्म्यागता आश्चर्यचकित हो गया कि न अहम कि न तो मैं गतो गया हूँ और न मैं भ्राता नहीं मेरा भाई, तो यह किसके अस्त लाघवम हाथ की सफाई है। ठीक है, ये किसने कहा, कालांतक ने। देखो गजाधर ने क्या कहा था, गजाधर ने कहा था कि हे वैद्यराज यमराज के सगे भाई आपको नमस्कार। यमराज तो प्राणों को नष्ट कर लेता है किंतु वैद्य प्राण और धन दोनों को ले लेता है। उसके बाद कालांतक ने क्या कहा कि चिता को जलती हुई देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि न तो मैं गया हूँ न ही मेरा भाई, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः असंति सभी फिर से हंसते हैं, सर्वे पुनः असंति सभी फिर से हंसते हैं। तुंदिल तुंदिल तुंदिलश तोंद के ऊपर हाथ फेरकर, तुंदिलश तोंद के ऊपर हाथ फेरकर तुंदिलश्य तोंद के ऊपर हाथ फेर कर तुंदिलो अहम भो अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम् काव्य श्रुतम् मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो, मेरा भी यह काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। तुंदश्य तोंद के ऊपर हस्तवर्तनम हाथ आवर्तनम फेर कर भो अहम तुंदिलो अरे मैं तुंदिल हूँ, तो ममापि मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे
माँ शरीरे दया कुरु परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। पहला श्लोक किया कवि गजाधर ने, दूसरा कालांतक ने, अब तीसरा कह रहे हैं तुंदिल कि पराए अन्न को प्राप्त कर हे दुष्ट बुद्धि वाले, दुर्बुद्धे अरे दुष्ट बुद्धि वालो, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो, मेरे शरीर पर दया मत करो, क्योंकि संसार में दूसरे का अन्न कठिन है। शरीर के लिए बार बार संसार में दूसरे का अन्न कठिन है। क्या कह रहा है कि हे दुष्ट बुद्धि वालों, दूसरे का अन्न प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो, क्योंकि संसार में पराया अन्न दूसरे का अन्न पाना, शरीर के लिए बार बार दूसरे का अन्न पाना कठिन है। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। अब क्या कहते हैं चारवाक कवि, देखो चारवाक कवि क्या कहते हैं, आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वदा उचितम, शरीर का पोषण हम सभी प्रकार से उचित है, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋण कृत्वा अपि, ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ एवं वक्तव्यम, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। हाँ हाँ, शरीर के पोषण हमेशा उचित ही है, यदि धन नहीं है तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। तथा कथियति चारवाक कवि, जैसा चारवाक कवि कहते हैं, चारवाक कवि क्या कहते हैं देखिए, यावत जीविते, यावत यानी जब तक जिए, सुखम जीविते सुख से जिए, ऋण कृत्वा धृतम पिबेत, ऋण करके भी घी पिए, कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण करके भी घी पियो। ये किसने कहा, चारवाक कवि ने। अब देखो श्रोता, तरही ऋणस्य प्रतरणम, कैसे तो ऋण को कैसे चुकाया जाए, तरही यानी तो, ऋणस्य यानी उदार को, कथम यानी कैसे, प्रत्यर्पण यानी चुकाया जाए। चारवाक, श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे बचे हुए काव्य को, धृतम पीतवा घी पीकर, श्रम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यपेत ऋण को लौटाना चाहिए, जने लोगों को घी पीकर श्रम करके ऋण को लौटाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य के पाठ को सुनकर उत्प्रेरित, उससे प्रेरित एक बालक ने आशु कविता की रचना की और हास्य पूर्वक सुनाता है। काव्य के पाठ को सुनकर उत्प्रेरित एक बालक आशु कविता, बहुत छोटी सी कविता की रचना करता है और हंसी पूर्वक सुनाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल का वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू।